जय हिंद, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसा कि टॉपिक लिखा गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हिंदी में घूर्णन आघूर्ण भी कहा जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के पहले हमको इनर्शिया क्या है उसके बारे में जान लेना होगा कि इनर्शिया क्या होता है, व्हाट इज इनर्शिया। तो इनर्शिया मीन्स इनर्शिया, जिसको हिंदी में जड़त्व भी कहा जाता है। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट द मैटर इज ऑलवेज वांट्स टू इट्स ओन पोजीशन। इफ द पार्टिकल इज इन रेस्ट देन ऑलवेज वांट्स टू इन रेस्ट पोजीशन। इफ द पार्टिकल इज मोशन देन ऑलवेज वांट्स टू इन मोशन। व्हेनेवर एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन द बॉडी देन चेंज देयर पोजीशन। जब तक कोई बाहर से फोर्स न लगाया जाए तो बॉडी हमेशा अपने ही पोजीशन में रहना चाहेगी। यदि बॉडी मोशन में है तो हमेशा वांट चाहेगी कि मोशन में ही रहे, और अगर रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगी। जैसे एक फॉर्मूला बता रहे हैं, एफ इक्वल टू जो होता है एम ए, फोर्स इक्वल टू होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास विद एक्सेलरेशन। अगर ए को हम हटाएं तो एम और ए को हटाएंगे तो डी वी डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एफ इक्वल टू एम ए या एम डी वी डी टी, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर वर्क न करता हो, यानी एफ इक्वल टू जीरो अगर कर दें, एफ इक्वल टू जीरो, तो एम डी वी डी टी ये इक्वल टू हो जाएगा जीरो। और यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर वर्क नहीं कर रहा है, तो दो फंक्शन मास है और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो दो फंक्शनों का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो होता है। तो इसका मतलब है या तो एम जीरो होगा या तो डी वी डी टी जीरो होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो हो या मास जीरो हो, तो मास तो जीरो होता ही नहीं है क्योंकि मास कांस्टेंट है, मास जीरो नहीं है। तो इसका मतलब है ये जीरो नहीं है, तो ये डी वी डी टी, दो फंक्शनों का प्रोडक्ट जीरो होता है, तो निश्चित कोई ना कोई एक फंक्शन उसमें जीरो होता है। तो डी वी डी टी इक्वल टू जीरो अगर कर दें और इसे इंटीग्रेट कर दें तो वी मिलेगा कॉन्स्टेंट। तो वी कॉन्स्टेंट, इसका मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट मिल रहा है। कब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट कब मिला है? जब एफ हमारा फोर्स इक्वल टू जीरो, इफ एफ इक्वल टू जीरो देन वेलोसिटी कांस्टेंट। इट मींस एफ क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन बॉडी इज जीरो, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया, तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर मोशन में है तो मोशन में, अगर भी जीरो है रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। ये प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है। अब अपने टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है कि बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। जैसे फैन है तो फैन किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो रोटेशनल इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। तो रोटेशनल इनर्शिया क्या है? बॉडी अगर किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो हमेशा उसका प्रयास रहेगा कि हमेशा रोटेट ही करे, रुके न, जब तक कोई बाहर से फोर्स लगाकर उसे रोक न जाए। तो इस रोटेशनल इनर्शिया, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा किसी एक्सिस के अबाउट। तो इस प्रॉपर्टी, बॉडी की इस प्रॉपर्टी को रोटेशनल इनर्शिया, और इस रोटेशनल इनर्शिया को मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसे अगर डिफाइन करना हो तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन ए बॉडी फ्री टू रोटेट, अबाउट एन एक्सिस हैविंग प्रॉपर्टी टू अपोज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज नोन एज रोटेशनल इनर्शिया। And this rotational inertia is called as moment of inertia. तो देखिए कैसे एक्सप्लेन किया गया है। When a body free to rotate about an axis, किसी एक्सिस के अबाउट कोई बॉडी फ्रीली रोटेट कर रहा है, तो उसके पास हैविंग द प्रॉपर्टी टू अपोज, तो उसके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी
चेंजेस का अपोज कर सकता है, विरोध कर सकता है, अपोज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अपने रेस्ट में या मोशन में। रेस्ट में है तो मोशन का अपोज करेगा, और अगर बॉडी रोटेशन है, मोशन में है, तो रेस्ट का अपोज करेगा। और बॉडी के इस प्रॉपर्टी को, द बॉडी इज नोन एज रोटेशनल इनर्शिया, और दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज नोन एज रोटेशनल इनर्शिया। बॉडी की इस प्रॉपर्टी को रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं, और यही रोटेशनल इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई से डिनोट किया जाता है। अगर मैथमेटिकल डिफिनेशन देखें, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, तो अगर मैथमेटिकल डिफिनेशन देखें तो आई इज इक्वल टू होता है आई इज इक्वल टू यम आर स्क्वायर। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यम मास, मास ऑफ द बॉडी, आर, आर बी द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई मास में कर दिया जाए तो आई इज इक्वल टू यम के स्क्वायर। इसका यूनिट हो जाएगा केजी, और आर क्या है, मीटर स्क्वायर। यूनिट्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट हो जाएगा आई इज इक्वल टू यम आर स्क्वायर, यानी मीटर, केजी मीटर स्क्वायर। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर सपोज कर लेते हैं कि कोई बॉडी है, लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास यम, कैपिटल यम बी द होल मास ऑफ द बॉडी, एंड दिस बॉडी इज मेड ऑफ यन नंबर पार्टिकल। अगर इस बॉडी को हम सपोज कर रहे हैं कि यन डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर ये बॉडी बना है, अगर इस एक्सिस को एक्स एक्स डैश मान लें, और यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर यम वन पार्टिकल का डिस्टेंस आर वन है, लेट अस कंसीडर दैट द मास ऑफ पार्टिकल यम वन which are r1 distance from axis of rotation and m2 particle have r2 distance from the axis of rotation, similarly m3 r3, और इसी तरह mn और rn, मतलब बहुत से पार्टिकल से मिलकर ये बॉडी बनाया गया है। तो इसका टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x x डैश, किसी एक्सिस x x डैश के अबाउट इस फुल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो m1 पार्टिकल which are r1 distance from the axis of rotation, let us consider the moment of inertia of m1 is i1. So i1 अगर निकालें तो formula क्या है, m r square m1, और axis of rotation से जो distance है r1, r1 square. और similarly i2 is equal to m2 और r2 square, और i3 हो जाएगा m3 और r3 square. डॉट 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 in का अगर moment of inertia निकालें तो mn और rn स्क्वायर। तो टोटल बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड करना है, तो टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई सपोज कर लिया जाए, तो आई इज द सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट यम वन, द आई वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू यम वन पार्टिकल, आई टू, आई थ्री, डेट दैट आई एन। तो इसको समेशन कर देते हैं, यानी सबका सम कर देते हैं, तो आई विद द होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एच डैश है, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस डॉट 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 प्लस प्लस हो जाएगा आई एन, यम वन आर वन स्क्वायर प्लस यम टू आर टू स्क्वायर प्लस यम थ्री आर थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस यम एन और आर एन स्क्वायर। अब इसको समेशन में अगर लिखा जाए, लिख दें, तो आई इज इक्वल टू जो हो जाएगा आई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू वन से यन यम आई और आर आई स्क्वायर। ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस गिवन बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्स डैश, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू समेशन आई स्मॉल आई इज इक्वल टू जे मान लेते हैं, आई क्योंकि इंडिकेट किया गया है, तो जे इज इक्वल टू आई टू यन यम जे और आर जे स्क्वायर। ये हो जाएगा होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश। ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें एक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो हेडिंग हुआ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस तरीके से
फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो एफ इक्वल टू, जिस तरीके से एफ इक्वल टू यम ए होता है उसी तरह टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है। ये दोनों फॉर्मूला याद रहेगा तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं, जैसे ए क्या है, ए एक्सीलरेशन है लीनियर एक्सीलरेशन, और ये क्या है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो जनरली लीनियर एक्सीलरेशन में ए जो रोल करता है वही कोई एक्सिस के अबाउट अगर बॉडी रोटेट कर रहा है तो वही अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन रोल करता है, और लीनियर एक्सीलरेशन के लिए जो मास का रोल होता है एंगुलर एक्सीलरेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का रोल हो जाता है, और यहाँ जो फोर्स लगता है एफ, यहाँ मोमेंट ऑफ फोर्स लगता है या टॉर्क लगता है टाउ। इसी को ध्यान में रखकर फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, जैसे इस तरीके से लिखे, मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्सिया, मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्सिया, इनर्सिया में मास से मेजरमेंट किया जाता है। अगर मास अधिक है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, किस लिए, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। इसी क्वेश्चन वन को हम देखते हैं ध्यान में, जैसे एक ईट रख दिए है हाथ पर या किसी टेबल पर एक ईट रखे हैं, मानिए सपोज करते हैं ये एक मार्कर रखे हैं, अगर इसको धक्का लगाना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, और इसी के ऊपर एक और मार्कर अगर रख दें बांध कर रख दें तो इसे फोर्स लगाना होगा, तो ज्यादा मास हो गया तो ज्यादा फोर्स लगाकर धक्का देना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें मास मेजरमेंट किया जाता है, ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी देन ग्रेटर फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए अगर मास का जो रोल है, ज्यादा से ज्यादा अगर मास होगा तो ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। सिमिलरली ये तो लीनियर एक्सेलरेशन था, और अगर ये जब टाउ आई अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो रोटेशनल एक्सेलरेशन की बात हो जाती है। सिमिलरली इन रोटेशनल मोशन टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन, रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी देन ग्रेटर मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन। वही सेम है, जैसे इसको देखकर पहले लिखेंगे मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी, ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी देन ग्रेटर रिक्वायर्ड फोर्स टू प्रोड्यूस एंड लीनियर एक्सेलरेशन। सिमिलरली इन रोटेशनल मोशन टू प्रोड्यूस, रोटेशनल मोशन में एंगुलर टू प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जाता है। सिमिलरली रोटेशनल मोशन टू प्रोड्यूस एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ग्रेटर द मोमेंट ऑफ फोर्स आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the body then greater moment of force मतलब torque tau, greater moment of force required, अधिक से अधिक moment of force यानी torque की जरूरत पड़ेगी, किस लिए, required for angular acceleration अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहता है, इन दोनों इक्वेशन को देखकर पूरा लिखा गया है, कैसे मास इज द, ये इनर्शिया है, ये लीनियर एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस करना होता है, इसमें अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। तो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स की जरूरत होगी और वो डिपेंड करेगा मास पर, अधिक से अधिक अगर मास होगा तो अधिक से अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। सिमिलरली रोटेशनल मोशन, अगर रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो अल्फा प्रोड्यूस करने के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ेगी, किस लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। ये होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नोट कर लीजिए आप लोग,
इसके बाद दो इक्वेशन है, दो थ्योरम है, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया, थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया को शॉर्ट फॉर्म में MI लिखेंगे। दो थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, अगर ये दोनों थ्योरम हम लोग को अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसके बाद जितने भी सवाल हैं, जितने भी डिस्क का, चाहे रॉड का, चाहे रेक्टेंगुलर शेप का, चाहे हॉलो सिलेंडर का, चाहे सर्किल का, किसी भी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्सिया हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं दो थ्योरम पढ़ने पर। थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया में पहला जो है थ्योरम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, दो थ्योरम है। पहला हम प्रूफ करने चल रहे हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम क्या है? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहता है जैसे ये कोई बॉडी है और इसमें तीन एक्सिस ले लेते हैं, ये सेंटर वो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इसमें अगर कोई मास यम मास का ये ऑब्जेक्ट है और तो अगर इस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया अगर आई एक्स मान रहे हैं, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई वाई मान रहे हैं और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई जेड मान रहे हैं, तो किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमको अगर निकालना है, अगर सपोज कर लीजिए कि हमको जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया फाइंड करना है, तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया अगर आई मान लेते हैं तो आई इज इक्वल टू होता है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया दोनों का सम, यानी आई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अगर आई भी द मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट जेड एक्सिस जस्ट इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट वाई एक्सिस। तो कैसे प्रूफ, इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो इसका पहले थ्योरम क्या करता है, सम किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ, अगर तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया फाइंड करने के लिए शेष दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया का सम कर लेते हैं, वही होता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। यार इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको लिखना है थ्योरम क्या है, तो ये कोई प्लेन लेमिना है तो थ्योरम को डिफिनेशन डिफाइन करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ एन एक्सिस तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर इसमें होना चाहिए, ऑल द थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर तीन एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, जैसे इस तरीके से ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो किसी एक एक्सिस, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहता है किसी भी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज इक्वल टू होता है शेष दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया के सम के बराबर। अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया दोनों का सम कर देते हैं तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमको फाइंड हो जाता है। चलिए इसका प्रूफ देखिए किस तरीके से है। अगर यम मास का पार्टिकल है, यहां से ये जो डिस्टेंस x डिस्टेंस दूर है, यहां से जो डिस्टेंस y एक्सिस से y डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट x y अगर ले लेते हैं, तो सबसे पहले पूरा लिखने का प्रैक्टिस ये है कि लेट अस कंसीडर ए प्लेन लेमिना विच आर मेड ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल, देयर आर थ्री एक्सिस, ये सब तो आप लोग लिख ही लेंगे, देयर आर थ्री एक्सिस
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ऑल द एक्सिस आर मीट्स एंड इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ, ओ से इंटरसेक्ट करा है। तो ओ से एक्स एक्सिस से जो किसी एक पार्टिकल को हम कंसीडर कर रहे हैं जिसका मास यम है, इस पॉइंट पर मान लीजिए कि इसको पी मान लेते हैं, पी पॉइंट पर कोई पार्टिकल यम है, सिचुएट है और जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, एक्स वाई का मतलब है एक्स एक्सिस के एक्सिस से डिस्टेंस एक्स है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस वाई है और जेड एक्सिस से मान लीजिए आर मान लेते हैं, तो आर भी लिखना हो तो लिख सकते हैं, तीनों एक्सिस से इसका डिस्टेंस ये है। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ दिस मास, यह मास का जो पार्टिकल है एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज कर लेते हैं आई एक्स मान लेते हैं, तो आई एक्स जो होगा, आई एक्स इक्वल टू फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास विद स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ये एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी को रोटेट किया जा रहा है, तो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस यानी वाई है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हो, ये मास एक्सिस है, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है, ये वाई है, तो आई एक्स इक्वल टू हो जाएगा अगर इसका मास यम है, स्मॉल यम, और ये जो डिस्टेंस है वाई है, तो जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर यम वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर इसको इक्वेशन नंबर वन कर लें, ऑन द सिमिलर प्रोसेस अब वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस से इस पार्टिकल यम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो वाई एक्सिस अब इसके इस एक्सिस के अबाउट बॉडी को रोटेट किया जा रहा है, तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है, और ये डिस्टेंस यहां से यहां क्या है, एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, तो यही एक्स है, ये भी वाई है, तो यहां से एक्स, तो उसको अगर आई वाई मान लेते हैं, आई वाई क्या है, आई वाई क्या है, आई वाई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट वाई एक्सिस, तो आई वाई इक्वल टू मास यम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर यहां से ये जो डिस्टेंस है एक्स है, यम एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू हो गया। अब जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो जेड एक्सिस के अबाउट अगर ये ओ है, ओ से यहां से आर मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर द मास यम इज सिचुएटेड फ्रॉम द ओ जेड एक्सिस बी आर, अगर आर मान लेते हैं, तो इस बॉडी का ये जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई, अगर सपोज कर लेते हैं कि जो जेड एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ये आई इक्वल टू हो जाता है और मास और जो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हो जाता है, सिंस दिस फिगर इज थ्री डायमेंशनल फिगर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑन दिस बोर्ड बिकॉज दिस बोर्ड इज टू डायमेंशनल फिगर, ये टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल फिगर है, इसको इस पर अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, ये जो ओ जेड एक्सिस है इस तरीके से दिखाया गया है, एक्चुअली में ओ जेड एक्सिस जो है इस तरीके से बाहर की तरफ है, बोर्ड के सामने इस तरीके से है, तो यहां जब ऐसे हो जाएगा तो ये जो डिस्टेंस होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा आर, तो यम आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड इसको मान लेते हैं। अब इस ट्राइंगल में हम देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, ये ट्राइंगल में भाई पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई अगर कर दें तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर क्या होगा, ये हाइपोटेनस होगा परपेंडिकुलर बेस, तो हाइपोटेनस यानी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिगर से आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो एक्स स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ये इसका स्क्वायर इक्वल टू होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर, तो ये जो वैल्यू है अगर आर स्क्वायर के स्थान पर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो इक्वेशन थर्ड हमारा इस तरीके से हो जाता है, इम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू हो जाएगा यम और आई स्क्वायर के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रिप्लेस कर देते हैं, तो देन दिस इक्वेशन में भी आई इक्वल टू यम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगेन द प्रोडक्ट ऑफ मास विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वी गेट हम लोग इसके बाद पाते हैं एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर, फिर नाउ वी कैन सी फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू दिस एम एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इज आई वाई एंड दिस एम वाई स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन वन इज आई एक्स, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इन दिस इक्वेशन वी गेट, तो इक्वेशन में रखने पर हमको क्या मिलेगा, implies that I is equal to mx square means I y and plus my square means I x from 1 and 2 from equation 1 and 2 1 और 2 से ये क्वेश्चन रखने पर यही तो प्रूफ करना था, ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर थ्योरम, इस तरीके से कि ये जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कंसीडर किए हैं और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है और x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है, तो इस जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस सम ऑफ मोमेंट ऑफ एंड प्लस सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, आई इक्वल टू आई एक्स प्लस वाई,
ये हो जाता है परपेंडिकुलर थ्योरम प्रूफ। अब इसके बाद एक दूसरा थ्योरम हमारा जो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो नेक्स्ट पर चलते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पहले क्या होता है ये लिख लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू होता है आई सी एम सेंटर ऑफ मास से होकर जो गुजर रहा प्लस एम एच स्क्वायर। इस तरीके से अगर कोई बॉडी है और इसमें दो एक्सिस मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ए बी और सी डी, तो सी डी विद एक्सिस व्हिच पासिंग इट सेंटर ऑफ मास ओ, और कोई पार्टिकल यहाँ से एम मास है क्योंकि यहाँ से एक्स डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर मान लेते हैं h। फिगर देखते हैं, फिगर से कैसे है कि AB और CD दो पैरेलल एक्सिस हैं इस लेमिना के बीच में, और CD एक्सिस जो है तो CD एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस लेमिना O से पास कर रहा है, और AB एक्सिस अनदर एक्सिस व्हिच आर पैरेलल टू CD एक्सिस एंड h डिस्टेंस फ्रॉम CD एक्सिस। कोई एक दूसरा एक्सिस AB है जो CD एक्सिस से h डिस्टेंस दूर पर है, और इस लेमिना में अगर कोई एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्टिकल यम जिसका मास है ले लेते हैं, वो सीडी एक्सिस से एक्स डिस्टेंस दूर है, तो और एबी एक्सिस से अगर ये डिस्टेंस निकालें, एबी एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा टोटल डिस्टेंस एच है और ये डिस्टेंस एक्स है, तो एच माइनस एक्स डिस्टेंस होगा, एच माइनस एक्स डिस्टेंस होगा एबी एक्सिस से डिस्टेंस होगा। तो इस एबी एक्सिस के अबाउट इस होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इक्वेशन पैरेलल एक्सिस क्या कहता है, पैरेलल थ्योरम कहता है दोनों पैरेलल एक्सिस हैं, तो जो एक एक एक्सिस होगा वो उसके सेंटर से होकर पास कर रहा होगा, तो किसी दूसरे एक्सिस एबी के अबाउट इस होल बॉडी का उस लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू होता है सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी एम जो उसके सेंटर ऑफ मास से होकर पास कर रहा है, और उसका प्लस कर लेते हैं होल मास, इसका होल मास ऑफ द बॉडी एम है, m एंड दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो ये होता है पैरेलल थ्योरम। इसको कैसे लिखेंगे? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस व्हिच आर पैरेलल टू अनदर एक्सिस cd, cd कहां से पास करा, इसके सेंटर ऑफ मास से, h इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ cd एक्सिस प्लस होल मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ एक्सिस। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लेमिना, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लेमिना अबाउट एन एक्सिस विच आर पैरेलल टू अनदर एक्सिस क्या है सीडी which passing through center of mass of lamina is equal to the moment of inertia of lamina about an axis which are parallel to another axis about an axis yani ab axis। ये हम AB एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस लेमिना का पहला थ्योरम कहता है कि एक एक्सिस दो एक्सिस लेना होता है, एक एक्सिस तो उसके सेंटर से पास कर रहा है, उस सेंटर से कुछ डिस्टेंस दूर पर एक दूसरा एक्सिस ड्रा करना होता है, और जो दूसरा एक्सिस ड्रा करते हैं उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। हमेशा याद रखना है ये प्लस करता है पहले सेंटर ऑफ मास से, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से ही पास करेगा, और कुछ h डिस्टेंस दूर पर एक दूसरा एक्सिस उसी के जस्ट पैरेलल ड्रा करेंगे, और जो दूसरा एक्सिस पैरेलल ड्रा करते हैं उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो इसमें हमको cd एक्सिस के सेंटर से पास करना है और ab एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है इस लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या लिखा है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट एन एक्सिस, एन एक्सिस क्या है ab एक्सिस, और जो कि व्हिच आर पैरेलल टू, जो कि पैरेलल है Another axis, दूसरा एक्सिस cd से, और cd कहां पास कर रहा है, व्हिच पासिंग थ्रू द लेमिना ऑफ द तो क्या होगा AB axis passing through center of mass, then equal to,
तब इक्वल टू करेंगे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट अबाउट एन एक्सिस एबी एक्सिस व्हिच आर पैरेलल टू अदर एक्सिस हां अबाउट एबी एक्सिस ये इतना चाहो तो ब्रैकेट में कर सकते हैं कि जो कि इसके हां द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट अबाउट एन एक्सिस यानी एबी एक्सिस इज इक्वल टू ये तो इतना अंडरस्टूड के लिए ब्रैकेट लगा दिए हैं एबी एक्सिस इज इक्वल टू इस इक्वेशन को देखते हुए लिख रहे हैं यानी यहां तक पहुंचे इज इक्वल टू करें इज इक्वल टू द सम ऑफ इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ सी डी एक्सिस विथ द प्रोडक्ट ऑफ फुल मास ऑफ द बॉडी full mass of the body with the square of distance between both the axis with the square देखिए square distance यश क्या है दोनों axis के बीच का distance उसका square के साथ mass का मल्टीपल है product of full mass of the body with the square distance between both axis ठीक ये है पैरेलल थ्योरम तो पैरेलल थ्योरम बिल्कुल आसान है पैरेलल थ्योरम बहुत आसान है क्यों क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि एक एक्सिस देखते हैं जो सेंटर ऑफ मास से ही पास करता हो किसी तरीके का बॉडी है तो एक एक्सिस कंसीडर करते हैं जो इसके सेंटर से पास करता हो और उसी के पैरेलल में एक दूसरा एक्सिस ड्रा कर देते हैं जो कि यश डिस्टेंस दूर पर है और इसी एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो इस एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पहले निकाल लेते हैं उसमें प्लस कर देते हैं होल मास ऑफ द बॉडी और दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ये हमारा इक्वेशन आ जाता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हाँ अब इसका प्रूफ देखते हैं किस तरीके से है प्रूफ पे चलते हैं तो प्रूफ के लिए जैसे स्मॉल यम है और ये सीडी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या हो जाएगा आई सी डी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस होल स्मॉल मास का समेशन कर देंगे तो बाद में कैपिटल मास पूरा होल बॉडी का मिल जाएगा पहले छोटे पार्टिकल का निकाल के उसका होल बॉडी तो छोटे पार्टिकल के निकालेंगे स्मॉल यम और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर एक्स है फिगर से सी डी एक्सिस से अबाउट इस मास यम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मास और जो जिस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई यम और यक्स डिस्टेंस है तो यक्स स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर और होल मास का निकाल लेते हैं तो यही कैपिटल यम एक्स स्क्वायर हो जाता है अब ए बी एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस बी आई अगर आई किससे अबाउट ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई माने हैं तो आई इक्वल टू लिख रहे हैं तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा ये इस एक्सिस के अबाउट इसी मास यम का तो ये डिस्टेंस मास यम I square to m और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगा h माइनस एक्स का होल स्क्वायर अब इसको ओपन करते हैं तो m h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2hx अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो होल लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं साथ साथ में तो समेशन m लगा देंगे समेशन m h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2hx इक्वल टू हो जाएगा समेशन m h स्क्वायर और समेशन यम एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच समेशन यम एक्स तो ये हो जाएगा समेशन यम इक्वल टू कैपिटल यम समेशन यम इक्वल टू कैपिटल यम यानी छोटी छोटे पार्टिकल का जब पूरा सम कर देते हैं होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कैपिटल यम मास हो जाता है छोटे छोटे पार्टिकल को जब ज्वाइन करते हैं स्मॉल यम एम वन एम टू एम थ्री एम फोर वो जब ज्वाइन होता है तो कैपिटल यम यानी होल मास ऑफ द बॉडी मिल जाता है तो अब इस तरीके से यम एच स्क्वायर और प्लस ये क्या है कैपिटल यम एक्स स्क्वायर और ये माइनस ट्वाइस एच यम समझता है यम एक्स तो यम एक्स ये इसके एकदम बिल्कुल सेंटर किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन जब सेंटर से ही पास हो जाता है यम एक्स स्क्वायर नहीं मिला समझता यम एक्स ये हो जाता है जीरो इसको ट्रीट कर देते हैं जीरो इसमें आई एक्स स्क्वायर कोई है ही नहीं तो इसको ट्रीट कर देते हैं जीरो तो आई इक्वल टू मिल जाता है आई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर अभी इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन से आई सी डी एक्सिस करो चाहे सेंटर ऑफ मास यम एक्सिस कर देते हैं सेंटर ऑफ मास से पास करा आई यम एक्स स्क्वायर आई सी डी हो गया तो यम एक्स स्क्वायर के स्थान पर आई सी
चिंता ना, बस सीएम लिख देते हैं और प्लस यम और एच स्क्वायर, ये मिल जाता है आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर, ये इक्वेशन प्रूफ हो जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने दोनों इक्वेशन जो इंपॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम दो इक्वेशन, एक थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, एक थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये दोनों एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर सारे क्वेश्चन बेस होते हैं, किसी भी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोमेंट कुछ बॉडी है जैसे स्मॉल यम, कोई रॉड है मास यम और लेंथ यल का रॉड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कैसे किया जाएगा इस इक्वेशन की मदद से। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन नाउ वी हैव फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड व्हिच आर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, व्हाट इज द वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, या इसको लिख सकते हैं फाइंड करना है, क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस विच आर पासिंग थ्रू, विच आर पासिंग थ्रू इट्स एक्सिस, पासिंग थ्रू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस विच पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड, किसी पतले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना अबाउट एन एक्सिस व्हिच आर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब इस तरीके से है, जैसे ये पतला रॉड है, ये रॉड है, इसका सेंटर ये है, इस सेंटर से अगर कोई एक्सिस सपोज कर लेते हैं पी क्यू ए बी और ये ओ है, इसका मास कैपिटल एम है और ये इसका हो जाएगा लेंथ। तो इक्वेशन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रॉड जो है एक थिन रॉड है, ये पतला सा रॉड है, इसको इस तरीके से दिखा दे रहे हैं, ए बी एक रॉड है जिसका लेंथ एल है और मास एम है, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड करना है किस एक्सिस के अबाउट, एक एक्सिस जो पी क्यू इसके सेंटर से होकर पास कर रहा है, तो पी की PQ के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है, तो निकाल लेते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, निकालने के लिए अब कुछ कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि लेट अस कंसीडर ए बी बी द मास ऑफ, ए बी बी द लेंथ ऑफ द दिस रॉड ऑफ यल, यल उसका लेंथ है, कैपिटल एम बी द मास ऑफ द गिवन रॉड, जो रॉड दिया गया उसका कैपिटल एम, कैपिटल एम उसका मास है, और पी की जो एक्सिस है इसके सेंटर से होकर पास करा है, सेंटर ओ है, ओ से इस सेंटर से पास करा है, तो यही पी क्यू के अबाउट ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक एलिमेंट्री पार्ट यहाँ छोटा सा काट लेते हैं इस रॉड का, एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट ले लेते हैं और इसको डी एक्स मान लेते हैं, जो कि यहां से एक्स डिस्टेंस दूर पर है, डी एक्स मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस जो कि दूर है, और ये जो लेंथ हो जाएगा एल बाई टू हो जाएगा, और ये जो लेंथ होगा एल बाई टू, आधा आधा हो जाएगा, टोटल लेंथ एल है, ये एल बाई टू, एल बाई टू। तो सबसे पहले हमको कोई भी चीज निकालना है तो मास पर यूनिट लेंथ निकालना होगा, थिन रॉड है तो केवल लेंथ है, तो इसमें निकालने के लिए मास पर यूनिट लेंथ निकालना होगा, तो मास पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए क्या करना होगा, यह लेंथ है या मास है, जैसे हमको निकालना है कि यह मार्कर है, तो क्वेश्चन दे रहा है कि 10 मार्कर का दाम 20 रुपए है, तो 3 मार्कर का दाम बताइए, तो पहले एक मार्कर का दाम निकाला जाता है, उसके बाद फिर जितने मार्कर का बोला जाए उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इसमें क्या करते हैं, यम मास में यम मास या लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो मास पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पर कितना मास होगा इस रॉड का वो निकालते हैं, तो क्या करते हैं मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड, ये इक्वल टू हो जाता है m बाई l, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड m बाई l, और dx थिकनेस, तो dx थिकनेस पर कितना मास होगा, ये यूनिट मास पर लेंथ, यूनिट लेंथ पर मास m बाई l है इस रॉड का, तो dx थिकनेस के छोटा स्कार्ट ले लिए हैं, तो उस थिकनेस पर कितना मास कंसीडर किया है ये रॉड,
तो डीएक्स का मास निकालेंगे, मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, मास ऑफ एन एलिमेंट्री पार्ट, एलिमेंट्री पार्ट यानी कि डीएक्स का, तो डीएक्स का निकालेंगे तो एम बाई एल और डीएक्स से मल्टीप्लाई। जैसे 10 मार्कर का दाम 20 रुपीज है तो एक मार्कर का दाम निकालेंगे 20/10, तो फिर उसके बाद 3 मार्कर का दाम फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यम यल लेंथ पर यम मास डिस्ट्रीब्यूट है तो यूनिट लेंथ पर कितना होगा एम बाई एल, और तो डीएक्स थिकनेस पर कितना मास है तो एम बाई एल डीएक्स, ये हो जाएगा एलिमेंट्री पार्ट का मास। तो अब इस एलिमेंट्री पार्ट का पी क्यू एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, मास एलिमेंट्री पार्ट का मास है, मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलिमेंट्री पार्ट का पी क्यू एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एलिमेंट्री पार्ट, तो एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास एम बाई एल और डी एक्स और इंटू जो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स है एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। ये जो आया है ये एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू एक्सिस आ गया। अब चूंकि हमको होल रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ये तो एलिमेंट्री पार्ट जो केवल डी एक्स है इसका निकल गया, तो होल रॉड का निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, और इंटीग्रेट करने पर लिमिट लेना पड़ेगा कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना होगा, तो पी क्यू एक्सिस इसके सेंटर से पास कर रहा है तो ये माइनस एल बाई टू, अगर इसको इस तरफ माइनस इंडिकेट कर दे तो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, ये पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू ले लेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा और पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू निकल जाएगा। देखिए इस तरीके से है, नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रॉड, होल रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसके लिए आई, अगर आई बी द मास, आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रॉड, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा और इंटीग्रेशन माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम बाई एल डी एक्स और इनटू एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी से, इंटीग्रेशन एक प्रॉपर्टी होती है माइनस ए से प्लस ए अगर है डी एक्स तो इक्वल टू ट्वाइस टाइम ऑफ जीरो टू ए डी एक्स लिखा जा सकता है। इसको उसी इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी निकालेंगे, ट्वाइस टाइम जीरो से एल बाई टू और एक्स स्क्वायर, एम बाई एल कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा तो एम बाई एल को बाहर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो अब इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वैल्यू जो आ जाएगा ट्वाइस एम बाई एल और ये एक्स क्यूब बाई थ्री और जीरो से एल बाई टू इक्वल टू ट्वाइस एम बाई एल और एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, अपर लिमिट रखते हैं तो एल क्यूब बाई टू, टू थ्री जा सिक्स, तो एल ये रखें एल क्यूब, दो दो चार न आठ, टू टू जा फोर टू जा एट, एट एट और थ्री नीचे है 24, टोटल 24 हो जाएगा, टू से कैंसिल जाएगा 12 हो जाएगा और एक इससे कैंसिल जाएगा टू बार में हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12, तो आई जो वैल्यू आ गया एम एल स्क्वायर बाई 12। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू एक्सिस मिल गया एम एल स्क्वायर बाई 12। अब क्वेश्चन एक और उठ सकता है इसमें कि ये जो एक्सिस पी क्यू एक्सिस है अगर कहीं वन एंड किसी एक एंड पर, रॉड के किसी एक एंड पर आ जाए, यानी ये यहां से अगर यहां पर आ जाए, यहां से या यहां पर आ जाए या यहां पर रख दें, एक रख दे रहे हैं सी डी एक्सिस, ये एम एन एक्सिस, तो अगर क्वेश्चन करा ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी डी के अबाउट इस रॉड का होगा वही एम एन के अबाउट होगा क्योंकि दोनों एक एंड पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एम एन एक्सिस जस्ट इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी एक्सिस, दोनों एक ही होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये सी डी एक्सिस यानी किसी एक एंड पर अगर एक्सिस हो जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जबकि पी क्यू एक्सिस के अबाउट हमने निकाला एम एल स्क्वायर बाई 12। इसको याद रखते हैं, फिर देखिए किस तरीके से थ्योरम का उपयोग करके बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, और नहीं तो दो 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 मेथड है।
किसी एक इंड पर अगर रख दिया जाए तो जो लिमिट हम लोगों ने एलिमेंट्री पार्ट का निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद जो लिमिट हमने निकाला माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, इसी को केवल जीरो से एल कर दे, जीरो से लेकर टोटल एल तक जीरो से एल कर दे तो भी निकाला जा सकता है। और दूसरा एक, जब हम लोगों ने परपेंडिकुलर थ्योरम पैरेलल थ्योरम दोनों थ्योरम अब जान चुके हैं तो थ्योरम का उपयोग करके आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे देखते हैं इस तरीके से, क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले अगर क्वेश्चन कैसे कहेगा, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस विच आर पासिंग थ्रू इट्स वन इंड ऑफ द रॉड, रॉड के किसी एक इंड से, चाहे ये इंड या ये इंड, एक इंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब देखिए क्या होता है, चाहे ये दोनों ले लो चाहे ये दोनों ले लो, तो इन दोनों को लेते हैं तो ये दोनों आपस में पैरेलल एक्सिस है, PQ एंड CD बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, देन वी कैन अप्लाई द पैरेलल थ्योरम। इस तरीके से हम लोग पैरेलल थ्योरम लगा सकते हैं। तो पैरेलल थ्योरम क्या कहता है, जो PQ एक्सिस के सेंटर से जा रहा है इसके पैरेलल अगर जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज कर लो आई, CD एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये इक्वल टू होता है सेंटर से जो पास कर रहा है आई सीएम, सीएम क्या है PQ एक्सिस, PQ से जो पास कर रहा है प्लस होल मास और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, यानी आई इक्वल टू PQ एक्सिस के अबाउट हम लोगों ने अभी निकाला एम स्क्वायर बाई 12, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर बाई 12 और प्लस एम और दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ एल बाई 2 है उसका स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4, एल स्क्वायर बाई 4, तो आई इक्वल टू निकालेंगे तो एम एल स्क्वायर 12 और प्लस, अब ये 12 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई दोनों कर दें, प्लस 3 ml स्क्वायर अपॉन 12, यानी I इक्वल टू हो जाएगा 4 ml स्क्वायर अपॉन 12, यानी ml स्क्वायर अपॉन 4 3 4 3, I इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 3। तो किसी एक इंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो पैरेलल थ्योरम लगा दिए और बड़े आसानी से हम लोगों ने एम एल स्क्वायर बाई 3। और जो दूसरा तरीका था उससे भी देख लेते हैं एम एल स्क्वायर बाई 3 ही आ रहा है, तो जो आई इक्वल टू एलिमेंट्री पार्टिकल का निकाला गया था जीरो से एल कर देते हैं एम बाई एल और एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये हो जाएगा एम बाई एल और हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और जीरो से, यानी एम एल क्यू बाई एल, तो यल यल से कैंसिल, तो एम एल स्क्वायर बाई 3। देखिए ये भी आ गया उसी इक्वेशन से, इसके पहले जो इक्वेशन हम लोगों ने एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था एम बाई एल एक्स स्क्वायर और जब पूरे होल रॉड का निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इंटीग्रेट किया गया था माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2। अब सिंस At this time, at this situation, the axis is one end situated at one end of this rod, then the limit may be 0 to L. इस समय लिमिट 0 से L हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उस समय यहां पर एक्सिस था तो माइनस L by 2 से प्लस L by 2 लिया गया, लेकिन जब किसी एक end पर रख देते हैं तो 0 से लेकर टोटल लेंथ L, L तक। इसके पहले क्वेश्चन जो था यहाँ माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2 लिया गया था, जीरो से एल ले लेते हैं तो इसे इंटीग्रेट करने पर ये भी जो इक्वेशन आता है और चाहे पैरेलल थ्योरम लगाकर दोनों इक्वेशन सेम आ जाता है। तो इस तरीके से हमने पैरेलल थ्योरम अप्लाई करके किसी भी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक इंड के अबाउट फाइंड इजिली कर सकते हैं। अब इसके बाद और बहुत से मटेरियल है, बहुत से ऑब्जेक्ट है, जैसे इसके बाद लेमिना, एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, अगर इसका कुछ इस, ये तो थिन रॉड था पतला रॉड, अगर लेमिना आ जाए जो कुछ रेक्टेंगुलर है तो उसका लेंथ और ब्रीथ भी आ जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाए।
चलिए नेक्स्ट वीडियो पर इसके आगे वाला जो बहुत से पार्ट है, चाहे रॉड है, चाहे सिलेंडर है, चाहे हालो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, डिस्क है, और बहुत से ऑब्जेक्ट है जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। पैरेलल एक्सिस कहीं लगाएंगे, कहीं परपेंडिकुलर एक्सिस लगाएंगे, कहीं वन एंड होगा, कहीं सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है तब। तो बहुत से ऑब्जेक्ट है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस इक्वेशन से पैरेलल और परपेंडिकुलर थ्योरम लगाकर निकाला जा सकता है। चलिए यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।